वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो सत संगत, सतगुरु सच्चे पातशाह दी पार कृपा दा सदका जम्मू कश्मीर दी धरती नूं जिथे एक वर है सत संगत, अज विश्व दा ध्यान जम्मू कश्मीर दी सिख संगत अपने वल खिंचदी है। जदों भी किते साबत सूरत दी गल आउंदी है ते जम्मू कश्मीर दी धरती साबत सूरत गुरसिख प्यारियां दी धरती है, और मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह दा जिथे मेरा भरिया हथ साढ़े सिर ते उत्थे नाल ही नाल जम्मू कश्मीर दी धरती ते एक होर बहुत वड्डी जिहड़ी साढ़े वास्ते मन वास्ते गल है कि जिथे जम्मू कश्मीर दी धरती साबत सूरत गुरसिखां दी धरती है, उत्थे जम्मू कश्मीर दी धरती जिहड़ी है ये योधे शहीदां दी धरती है। इतिहास कुछ है, जदों असीं इतिहास नूं पढ़दे हाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत, जिस बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने पुत्र दे कलेजे नूं कढ़वा के अपने मूँह दे विच पवा लिया, पर सिख राज दा पहला सिक्का जिहड़ा सी ओह जारी करके पहले सिख राज दी स्थापना कीती। इसे जम्मू कश्मीर दी धरती ते रजौरी दे विच रहण वाले ओह बाबा बंदा सिंह बहादुर। उस तों बाद जे इतिहास नूं पढ़िए, चमकौर दे मैदान दे विच शहीद होण वाले ओह जम्मू कश्मीर दे महान योधे जिन्हां नूं कृपा दत्त, जिहड़े 1699 दे विच गुरु कलगीधर पातशाह दे पासों अमृत छक के कृपाल सिंह बने ने, और 1699 दे विच जिन्हां ने अमृत छकिया, और 1704 दे विच चमकौर दे मैदान दे विच जिहड़े शहीद होए ने, वह भी साढ़े जम्मू कश्मीर दी ए जमपाल ने। इस तों इलावा सत संगत, जदों जम्मू कश्मीर दे इन्हां योधियां दे उत्ते जां इहदे इतिहास दे उत्ते खोज शुरू कीती ते पता लगा भी जम्मू कश्मीर दी धरती सचमुच जिथे साबत सूरत गुरसिखां दी धरती है, उत्थे जम्मू कश्मीर दी धरती जिहड़ी है एक महान बहुत वड्डे योधियां दी धरती है। इस संबंध दे विच सत संगत, जम्मू कश्मीर दे इतिहास दे उत्ते खोज करन दा जिहड़ा सी एक मन दे विच चाउ पैदा होया, सतगुरु सच्चे पातशाह ने मेरा भरिया हथ रखिया, अलग अलग इलाकों के बजुर्गों के नाल जाके विचार कीती, और उन्हां बजुर्गों के नालों जदों विचार कीता ते उन्हां दे कोलों इहो जिहा एक्सपीरियंस, इहो जिहा उन्हां दे कोलों सानूं जिहड़ा है वो सिद्धांत जिहड़ा विरसा साडा जिहड़ा सी वो सुणन नूं मिलिया, मन दे विच इक चाव पैदा होया वी मना जम्मू कश्मीर दे इतिहास दे विच जो साडियां बजुर्गों ने जम्मू कश्मीर दे विच सिखां दा जो दौर लिया है और जो साडियां बजुर्गों ने सुनहरी इतिहास कमाया, उस सारे दे सारे इतिहास नूं जरूर किते ना किते जिहड़ा है वह कलमबंद किया जाए। सतसंगत, लिखण दा मन विच ख्याल आया, पर फिर एक त्रासली होर है कि बहुत वारी इतिहास लिखिया जांदा पर साडे समाज दे विच साडी आउण वाली जनरेशन दे विच जिहड़ा पढ़न दा रुझान है वह दिन बा दिन घट रहा है। इस करके इतिहास लिखिया जाएगा पर जे उहनूं कोई पढ़न वाला भी ना होया तो वह लिखिया सारे का सारा बेकार चला जाता है। इस करके मन दे विच ख्याल आया भी जिहड़ा आधुनिक माध्यम है, अज सोशल मीडिया का युग है, इस मीडिया के युग के क्यों ना जम्मू कश्मीर के इस पूरे इतिहास में असी एक डाकूमेंटरी के कैप्चर करके पूरे विश्व के सामने पेश करिए जम्मू कश्मीर की इस पूरी हिस्टरी नूं। तो इस संबंध के असी जिहड़ा ये प्रोग्राम लिखिया है, इस प्रोग्राम के जिथे दास के मन च ख्याल आया उत्थे जिहड़े विदेशों च साडे बैठे वीर जिहड़े जम्मू कश्मीर की धरती के जमपाल जिन्हां दे अज भी जिहड़ा है वह खिच अज भी उन्हां दा नाता इस धरती दे नाल जुड़िया है और अपने विरसे दे नाल प्यार करदे ने, उन्हां वलों हुलारा मिलिया कि भाई साहब जी असी आप जी नूं फुल सपोर्ट करदे हाँ, आप जी जम्मू कश्मीर दे इतिहास नूं जम्मू दे विच जिहड़ा सिख समाज दा जो रोल है इस नूं बाहर कढ़िया जाए। सो इस संबंध दे विच साडे विशेष तौर पर जिहड़े वीर संदीप सिंह जी आस्ट्रेलिया वाले वीर विक्रम सिंह जी उन्हां दी पूरी टीम जिहड़ी है उन्होंने मिल के जिहड़ा ये साथ दित्ता है, ये प्रोजेक्ट अज असी जिहड़ा शुरू करन जा रहे हैं। जम्मू चांदना गुरु घर दे विच इस वक्त असी खड़े हाँ जी, धन गुरु नानक साहब महाराज जिहड़े सिख धर्म दे बानी ने, गुरु नानक साहब महाराज जी दे जम्मू आगमन दे विच जिहड़े याद दे विच गुरु घर बनिया होया, इस गुरु घर दे विचों अज असी जम्मू कश्मीर दे पूरे इतिहास नूं आप संगत दे सामने पेश करन दे लई ये डाकूमेंटरी जिहड़ी है उहदी अज शुरुआत कर रहे हैं सतगुरु दे चरणां दे विच अरदास करके। सो सत्संगत ते पूरी दी पूरी जिहड़ी डाकूमेंटरी होवेगी इहदे बारे मैं संक्षेप जां आप नूं थोड़ा जिहा जाणू करवा दियां। सो इस डाकूमेंटरी दे विच जो सब तो पहलां जम्मू कश्मीर दा इतिहास कि जम्मू कश्मीर दी जिहड़ी है शुरुआत कित्थों हुंदी है, इस धरती दे विच किहड़े किहड़े राजे आपो अपने समें दे सिर राज करदे ने, और उहनां राजिआं तों बाद इस धरती दे विच जिहड़ा गुरु साहिबानां दा आगमन और गुरु साहिबान दे आगमन तों बाद इस जम्मू कश्मीर दी धरती दे विच जिहड़ा 1947 दे विच जिहड़ा मैन
जिहड़ा साडा अज दे इस प्रोग्राम की पूरी इहदा नाम ही इसे करके असीं 1947 का संताप रखिया, क्योंकि 1947 दे विच इस जम्मू कश्मीर की धरती दे विच जो दुखांत जो संताप साढ़े इतों के बजुर्गों ने अपने पिंडे ते सहाया है, उस दुखांत तो तकरीबन तकरीबन साड़ी आने वाली जनरेशन भी जिहड़ी है वह भी अनजान है और उन्हों असी इन्ना वड्डे लेवल तक प्रचार भी ना सके। सो जिथे असी अपने उस इतिहास के नाल आप जी नूं इतों जम्मू कश्मीर की आम वाकफित करानी है। और इस पूरे संताप के मैं संक्षेप जां पहला आप जी नूं दस दिया कि 1947 दे विच जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान की वंड हुंदी है तो उस वंड दे विच जिहड़ा सब तो ज़्यादा नुकसान इस करके हुंदा है क्योंकि 1947 दे विच हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दो देश बनते हैं, पर जिहड़ा जम्मू कश्मीर है ये जम्मू कश्मीर एक महाराजा रणजी जिहड़ा हरी सिंह है उहदी अपनी रियासत सी, जिस करके 1947 दे विच इहदा समें सिर कोई फैसला ना हो सकिया और 14 अगस्त 1947 नूं एक नवा देश पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 नूं हिंदुस्तान जिहड़ा है वह लंबे समय की ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी तो बाद आज़ाद हुंदा है। दोनों देश आज़ादी का जिथे जश्न मनाते हैं उन्हां समयां दे विच जदों दोनों देश जश्न मना रहे सी साडे बजुर्ग जिहड़े सी वह नंगे पैरी जिहड़े ने तिन्नी कपड़िया दे विच भुखे पाणे लंबा समा दादे परदादियां दी धरती नूं छड्ड के बसदे परसदे अपने घर छड्ड के एक नवे इलाके दे विच आ के जिहड़े ने वह खन्नी खन्नी रोटी दे उत्ते साडे बजुर्ग उन्हां समयां दे विच मोहताज साडे बजुर्ग जिहड़े ने उन्हां ने लंबा समा जिहड़ा रहा है वह नगरोटे दे विच टेंटां दे विच कढ़िया। सो ये उस तो बाद लंबा समा उन्होंने सटल होने वास्ते जिहड़ा समा लग्या इस सारी चीज़ नूं आने वाली जनरेशन के सामने लियाउण वास्ते यह साडा प्रोग्राम 1947 का संताप जो लगातार आप जी इस डाकूमेंटरी दे विच देखोगे इहदे विच असी एपीसोड बनाए ने, हर एक एपीसोड एक इलाके की एक आपो अपनी कहानी है। सो इन्हां एपीसोडां दे विच जिस तरह के किला दरहाल दे विच जिहड़ा साडे बजुर्गों का योगदान रहा उहदा एक वक्खरा एपीसोड है, बुद्धल दे विच जिहड़े सिंह शहीद हुंदे ने जां उहदे विच आम जिहड़े उहदे विच सनातन धर्म दे लोकी वी जां होर वी जिहड़े उहदे विच इस 1947 दे संताप दे शिकार हुंदे ने वह लोगों का इतिहास। उस तो बाद 1947 दे विच अलग अलग इलाकों दे विच जिस तरह भिंबर जिस तरह कोटली मीरपुर उस तो बाद सुदनती उस तो बाद तुसी चले जाओ बाग मुजफ्फराबाद इन इलाकों के जो जो जिन्हें जिन्हें सिखा ने अपने ज उतों के रहने वाले लोगों ने अपने पिंडे ते हंडाया ये सारे अलग अलग हिस्सों के असी उन्हां बजुर्गों तकरीबन इस डाकूमेंटरी बनाने वास्ते सानू 500 तो ज़्यादा बजुर्गों के कोल पहुँच करनी पई ज्यों ज्यों इहदी एडिटिंग इहदी शूट क्योंकि इस सारे नूं शूट करन वास्ते सानू सारे इलाकों के जिहड़ा है वो खुद जिहड़ा है फिजिकली जाना पैंदा है ताकि इस सारा पूरे का पूरा एक इहो जिहा सीन आप जी दे सामने एक पिक्चर पेश की जाए कि साडियां बच्चियां नूं कि साडियां बजुर्गों ने सचमुच इन्ना जिहड़ा है वो दुखांत अपने पिंडे ते हंडाया। सो एक गल मैं जरूर दर्ज करावांगा सत संगत कि इस प्रोग्राम नूं बनाउण दा जिहड़ा मेन कारण सी कि तुसी वेखो 74 साल साडियां बजुर्गों नूं जिहड़ा है वो अपने दादे परदादे की धरती नूं छड्ड के मर लो उन्हां नूं उजड़िया 74 साल हो गया उस इलाके नूं छड्ड के आए ने। इस 74 साल बाद सानू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों एक रिलीफ मिलता है 5.5 लाख रुपये का, असी सारे उन्होंने लैके अपनी जेब के पा लें, पर साढ़े चो बहुत घट लोग ने जिन्हें ने इस चीज़ के उत्ते जिहड़ा है वो विचार करन जां इहदा मंथन करन बारे सोचा होवे भी की कारण की है साढ़े बजुर्गों ने इहो जी किहड़ियां घालना कीतियां ने कि अज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सानू 5.5 लाख रुपया दिता है। सो एक तो आ चीज़ अपनी जनरेशन के सामने लियानी सी, दूजा एक मेरे मन दे विच सी कि उह जम्मू दे विच मेरा अक्सर जिहड़ा सी डीसी ऑफिस दे विच जदों इह बजुर्ग आउंदे सी ते जदों इहनां दे नाल किते विचार होणी ते उम्र पुछनी किसी की 90 साल 95 साल और 60 दे विच कागज़ और एक आस सी कि शायद सानू अज भी कोई एक बार कोई इहो जिहा सिस्टम बन जाए भी असी आराम नाल अपने उन्हां घरां दे विच जा सकीए उन्हां घरां दे जाके जिहड़े ने एक बार फिर उन्हां नूं नतमस्तक होईए उस धरती नूं जिथे साडा जन्म होया है। सो सब तो पहला जम्मू कश्मीर का जिहड़ा इतिहास है इस जम्मू कश्मीर नूं जिहड़ा है सब तो पहला इहदे विच पहला राजा और जिसने इहदी खोज कीती है इहदी स्थापना करन बारे आम पुरातन जदों असी इतिहास पढ़दे हां ते राजा कश्यप करके उहदा नाम जिक्र आउंदा है जिस राजा कश्यप तो इस धरती का नाम मशहूर कश्मीर करके है और कश्यप जिथे कि उहनूं एक ऋषि क्योंकि पुरातन समयां दे विच कई प्रकार के राजा जिहड़ा सी आम तौर के राजे की तुलना रब के बराबर की जाती सी
और सब तो पहला दरअसल जिहड़े देश समाज नूं चलाउण वाले लोकी सी ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਪ ਹੈ ਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਪ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ और अज भी बहुत सारिया यादा कश्मीर की धरती ते तुसीं कश्मीर तो श्रीनगर तो 40 किलोमीटर दूर बारामूला और बारामूला तो 8 किलोमीटर दूर खातनियार चले जाओ उस खातनियार इलाके दे विच अज भी उस कश्यप ऋषि की जिहड़ी है वो बहुत यादगारां जिहड़ियां मौजूद ने जिथों शुरू हुंदा है भी जम्मू कश्मीर का इतिहास जिहड़ा है कश्यप ऋषि तो शुरू हुंदा है इस तों बाद सब तो पहला जम्मू कश्मीर की धरती ते जिहड़ा सी वो हिंदू राज जिहड़ा है ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਜਲੂਕਾ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਲੂਕਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਔਰ ਇਸ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਕਾਰ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੁਪਕਾਰ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨੰਦ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਗੁਨੰਦਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਗੁਨੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮੀਰਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਮੀਰਕੁਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਬਾਕਾ ਕਾਸ਼ੀ ਬਾਸੂ ਨੰਦਾ ਨਾਗ ਅੰਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਦੁਰਲਭ ਵਰਧਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ 662 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 731 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਵੰਤੀ ਵਰਮਨ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਵੰਤੀ ਵਰਮਨ ਦਾ ਹੈ 1410-1515 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਤੇਗੋ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਖੀਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1339 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦਿਆਨ ਦੇਵਾਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1382 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਉਦੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜੋੜੀ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਤੱਕ ਬਕਾਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ 1470 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਜੈਨਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 1561 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਚੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1561 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 1592 ਈਸਵੀ 'ਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
1586 जिहड़ा मुगल राज दे विच गवर्नर मिर्जा कासिम खान, मिर्जा यासूफ खान ये अलग अलग आउंदे ने। इन्हां दा राज जिहड़ा है लंबा समा कश्मीर की धरती दे विच रहिंदा है। मुगल राज दे विच कश्मीर की धरती ते अकबर बादशाह जदों पहली बार कश्मीर की धरती ते आउंदा है सुन्नी मुसलमान नाल चक खानदान दे समें होईयां जिहड़ियां वधीकियां ने इन्हां दे उत्ते विचार हुंदी है। टोडरमल नूं कश्मीर का रेवन्यू कलैक्टर नियुक्त किया जाता है। इस तों बाद कश्मीर की धरती ते जिहड़ा वो मुगल राज की स्थापना हुंदी है और 1586 तो लैके तकरीबन 1633 तक जिहड़ा है वो कश्मीर की धरती के उत्ते मुगल राज आंदा है। अकबर तो बाद उसका बेटा सब तो पहला बाबर आंदा है, बाबर तो बाद उसका पुत्र हिमायूं तो बाद अकबर तो बाद जहांगीर गद्दी ते बैठदा है, जहांगीर तो बाद शाहजहान, शाहजहां तो बाद औरंगजेब, उस तो बाद बहादुर शाह। ये मुगल राज ने लंबा समा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की धरती पर राज किया और ये राज दे विच जदों जम्मू कश्मीर की धरती पर बहुत ज़्यादा इतों की डिवेलपमेंट के उत्ते ध्यान दिता। अज भी तुसी कश्मीर की धरती पर जाओ, जिहड़े मुगल गार्डन कश्मीर की धरती से चश्मा छाई है, शालीमार निशात जां मुगल रोड, ये सारी की सारी इच्छा के समय जिहड़ी है बनती है। इस राज दे विच इसने बहुत ज़्यादा कश्मीर के उत्ते डिवेलपमेंट करके इसनों एक बहुत दुनिया का ध्यान अपने पासे खिंचन का एक केंद्र बना दिता और अज भी इसनों कुदरती तौर पर जम्मू कश्मीर की धरती की जिहड़ी खूबसूरती सी वो तो पहलां तो बड़ा कमाल दी सी, पर हिंदुस्तान दे विच क्या पूरे वर्ल्ड दे विच इसनों जिहड़ा एक दर्जा दिता गया स्वर्ग का दर्जा, भी एक जन्नत है, एक स्वर्ग है। इस तों बाद 1753 दे विच इत्थे अफगानियां दा राज रहिंदा है। अफगानियां दे समें भी बहुत सारियां जिहड़ियां ने इस जम्मू कश्मीर दे धरती दे उत्ते लोकां दे उत्ते जिहड़ियां ने जातियां भी होईयां ने और बहुत ज़्यादा उस वक्त भी फिरका प्राउ जिहड़ी आपस दे विच लड़ाइयां झगड़े। इस तों बाद अफगानियां दे राज तों बाद फिर समा आउंदा है इस धरती दे उत्ते, क्योंकि जिथे अलग अलग राजां दी असीं गल कीती सी पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा राज 27 साल जम्मू कश्मीर की धरती ते सिखां दा राज आंदा है और ये सिखां दा राज जिहड़ा सी ये शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने सब तो पहला शाह शुजा नूं छुड़ाउण दे वास्ते कश्मीर की उस अज भी उस इलाके का नाम जिहड़ा है शेरगढ़ है, उस शेरगढ़ दे उत्ते हमला करके शाह शुजा नूं छुड़ा के ते महाराणी वफा बेगम दे कोलों जिहड़ा सी कोहिनूर हीर प्राप्त किया। 27 साल इस जम्मू कश्मीर की धरती दे विच जिहड़ा सी ओ सिख राज रहा, उस सिख राज दीआं निशानियां अज भी जिस इलाके दे विच असीं खड़े हाँ ये सारे का सारा इलाका सिख राज दीआं उस महान आजादगारी निशानिया नूं अपनी बुकल दे विच साम के बैठा है। दरअसल सिख राज दे विच ये जिहड़ा आ इलाका है ये सारे का सारा इलाका महाराजा रणजीत सिंह की फौजां की छावनी होया करती सी। इहदी एक हद गुमड़ पौड़ियां तो शुरू ते इहदियां हद्दां का खात्मा जिहड़ा सी वह जम्मू तवी दे कंडे इहदे नाल ही नाल इस तों परां तुसीं चले जाओ 3 पिंड जिहड़े ने वह जम्मू कश्मीर दे विच इत्थों दी जिहड़ी है महाराजे दे वलों जागीर दित्ती गई सी। सो 27 साल का राज तकरीबन जम्मू कश्मीर दे विच जिहड़ा सिख राज रहिंदा है, उस सिख राज दे विच जम्मू कश्मीर दे जिहड़े इतिहासिक अस्थान जिहड़े ने इन्हां दे नाल जिहड़ियां ने जागीरां लाईयां जांदियां ने। सब तो पहला सिख गवर्नर मोती लाल जिहड़ा सी जां मोती राम करके भी इतिहास दे विच चेते किया जाता है, ये सब तो पहला सिख गवर्नर सी जिहड़ा जम्मू कश्मीर की धरती दे विच लाया गया। इस तों बाद हरीक सिंह नलवा जम्मू कश्मीर की धरती ते सिख राज वेले गवर्नर लाया जाता है, जिहदी याद विच भी अज भी तुसीं देख रहे हो आ हरी पर्बत जिहड़ा है। अज भी ये हरी पर्बत जिहड़ा है सानूं एक पैगाम दिंदा है कि कोई समा सी इस पर्बत की हिक दे उत्ते सिख राज दे वो महान योधे जिहड़े ने राज करिया करदे सन और वो राज जिस राज दे विच जे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा असीं 39 साल दा वो राज देख लईए उहदे पूरे राज दे विच किसी एक आदमी नूं भी जिहड़ी आ मौत की सज़ा फांसी नहीं हुंदी, किसी आदमी नूं भी जबरी जिहड़ा सी उहदा धर्म परिवर्तन नहीं, किसी दे धार्मिक ग्रंथ नूं कोई खतरा नहीं, किसी दे धार्मिक चिन्ह नूं कोई खतरा नहीं, बल्कि जे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वो हरिमंदर साहब वास्ते सोना दिंदे ने ते वो लाहौर की मस्जिद दे पेश दे उत्ते भी सोना चढ़ाउंदे ने, वो मंदरां दे वास्ते भी दिंदे ने। वो राज जिस राज दा जिक्र गुरु नानक साहब ने कीता सी सब सुखाली हुई विठियां ये हुआ हले मीरा जीओ। सो जिस सिख राज दी असी गल कर रहे हां
दरअसल सिख राज की स्थापना जिहड़ी सी ओ बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 12 मई 1710 सरहंद दीआं उहनां कंधां दे विच जिस कंधां दे विच साहिबजादियां ने कदे खड़ी हो के गल कही सी कि हम जान अपनी देकर जान औरों की बचा चले, नीब सिखी की हम पर थी उस पर महल बना चले, गुरियाई का किस्सा यहाँ पे बना चले, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले। दरअसल सिख राज की स्थापना 12 मई 1710 उन्हां कंधां दे विच जिस कंधां दे विच वजीर खान ने साहिबजादियां नूं शहीद किया सी उन्हां कंधां दे विच ही सिख राज की स्थापना बाबा बंदा सिंह बहादुर ने की। पर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने जो 39 साल पंजाब की धरती ते राज कीता है, इसे राज की कड़ी के तहत कश्मीर के उत्ते जदों सिख राज आंदा है, दरअसल कश्मीर दे विच इत्थों दा जिहड़ा गवर्नर अता मुहम्मद खान जिहड़ा सी ओह राज कर रहा सी, उधर अफगानिस्तान विच उस समय कतलोगारद दा बाजार बड़ा गर्म सी। शाह महमूद ने शाह सुजा नूं फतेह मुहम्मद की सलाह के नाल जिहड़ा शाही तख्तों उतारदे ने अते पंजाब विल तक दिता। अपने वजीर फतेह मुहम्मद खान नूं नियुक्त करके उसने हुकूमत की सारी बागडोर उहदे हवाले कर दिती। इधर शाह सुजा ने शाह जमान नूं अपने परिवार सने जदों पंजाब वल आ रहे सन ते रस्ते विच अटक दरिया के कंडे जहानदार खान ने शाह सुजा नूं गिरफ़्तार करके कश्मीर भेज दिता। और यही कारण बनया कि महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के उत्ते पहली बार जिहड़े सी अपने पैर धरे। इधर शाह जमान खान जिहड़ा है उसनों काबल दे विच्चों ही जिहड़ा सी शाह मुहम्मद ने उहदी बगावत करके उहदी अखां कढ के उहनूं नेत्रहीन कर दिता सी। अपनी बेगम ते बच्चियां दे नाल इह सारा परिवार जिहड़ा बड़ा दुखी हालत दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी शरण दे विच जांदा है, क्योंकि सिख धर्म दे आगमन वेले ही कदे कश्मीर दी धरती दे विच्चों पंडित कृपा दत्त की अगवाई दे विच गुरु तेग बहादुर महाराज के दरबार दे विच इत्थों दा जिहड़ा सी ओ सिख परिवार जिहड़ा सी ओ सारे हिंदू परिवार सिख उस परिवार दे कोल जांदे ने जिस परिवार दा वड्डा वडेरा पंडित ब्रह्मदत्त जम्मू कश्मीर दी धरती दा पहला सिख सी। इस तरह ही जिस तरह गुरु तेग बहादुर महाराज ने दुखियां दी वाह फड़ी, अज ये दुखी परिवार जिहड़ा है सारे दा सारा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे कोल लाहौर दरबार दे विच जांदे ने। और बखा जिहड़ी बेगम है वो एक गल कहिंदी है कि जे वह पति नूं छुड़वा के लैके आंदा है शाह सुजा नूं कश्मीर दे विच्चों ते जिहड़ा कोहिनूर हीरा दुनिया दा बाकमाल बेकीमती हीरा है वह हीरा उस नूं दित्ता जाएगा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उस दी इस गल नूं मन लिया अते कश्मीर दी धरती दे उत्ते जिहड़ा सी ओ हमला करन दे वास्ते प्रोग्राम बनाने उसने शुरू कर दिते। इधर अता मुहम्मद खान कश्मीर दा गवर्नर जिहड़ा है उसनूं इस हमले दी पहले ही पता लग चुकिया सी, उसने मुकाबले लिए अपनियां फौजां जिहड़ियां सी तैयार करनियां शुरू कर दित्तियां। महाराजा रणजीत सिंह ने वजीर फतेह मुहम्मद खान नूं फौजां दे के जिहड़ा सी तंग पहाड़ी रस्तियां दे उत्तों पहाड़ ते लंघदिआं होइआं इस इलाके वाले पासे जिहड़ा सी कल दित्ता। दसंबर दा महीना होण करके कहर दी ठंड सी और मौसम भी बड़ा खराब सी, पर फिर भी खालसाई फौजां ने बड़ी हिम्मत नाल जिहड़ी है वह जंग लड़ी और लूड उड़मी लड़ाई हुई। अता मुहम्मद खान दीआं फौजां जिहड़ियां सी उहदे पैर पिछा नूं उछड़ गए और श्रीनगर वर मूल करके अता मुहम्मद खान शेरगढ़ी दे किले विच जाके छिपिया। अज भी वह कश्मीर दी शेरगढ़ी दा जिहड़ा इलाका है वह अज भी कुरला कुरला के खालसे दी उस बहादुरी कि किसी वेले कश्मीर दी धरती ते सब तों पहला खालसे दा जदों पैर पिया ते इसे शेरगढ़ी नूं जिथे अज इक थाणा बनाया गया इस नूं उजाड़ के इहदे विच्चों शाह सुजा नूं मुक्त करके वह खालसाई फौजां जिहड़ियां ने लाहौर लैके जांदियां ने। और लाहौर दे विच जाके उहदे पासों जिहड़ा सी कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, पर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी अख जदों कश्मीर दी धरती ते पई ते उसने इस नूं सदीवी तौर ते अपने कब्जे दे विच लिआउण दे वास्ते जिहड़ा सी ओह यतन करन दे विच जिहड़ा सी शुरू कर दित्ते। अखीर उसे तरह खालसाई फौज ने 22 हाड़ 1876 विक्री मुताबक 3 जुलाई 1819 ईस्वी नूं कश्मीर नूं फतेह करके खालसा राज विच शामिल कर ले। जिथे असी हिंदू राज, जिथे असी मुसलमानां दा राज, जिथे असी मुगलां दा राज, अफगानियां दा राज दा जिक्र कीता, उत्थे कश्मीर दी इस सरजमीन ते सब तों पहला खालसा राज 23 जुलाई 1819 ईस्वी नूं कश्मीर नूं फतेह करके केलसरी निशान जिहड़े ने कश्मीर दी हिक ते झुलाए गए
कश्मीर फतेह करन दी खबर देन लई बीरबल दर ते कुछ साथी कश्मीर तो पुंछ आए और महाराजा रणजीत सिंह नूं जदों आके बीरबल दर ने खबर दित्ती ते कहिंदे ने एक कीमती हाथी जिहड़ा सी उस वक्त इस नूं जिहड़ा सी तोहफे विच दित्ता। सो कश्मीर नूं फतेह करन तों बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इत्थों दा राजपंथ चलाउण लई सब तों पहला जिहड़ा सी पिछे वी जिक्र कीता मोती राम नूं इत्थों दा गवर्नर नियुक्त कीता। इधर 1847 दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी मौत हुंदी है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी मौत तों बाद उन्हां दे परिवार दे विच जिहड़ियां खानाई जंगा जिहड़ियां सी ओह शुरू हो गईआं। आपस दे विच ही एक दूजे दे जिहड़े वैरी बन गए और लंबियां घालनावां घालन तों बाद तैयार कीता सिख राज अपने ही कुछ दगाबाज लोकां दी शिकार हो के 39 सालां दे विच ही आ जिहड़ा सी 39 सालां दे विच तकरीबन सिख राज जिहड़ा है ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਫਸਟ ਜਾਂ ਮੁਤਕੀ ਵਾਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਰਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 16 ਮਾਰਚ 1847 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਟੋਟਲ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੌਤ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡੋਗਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨਿਕਟਵਰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਿਲਕ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਤਿਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਰਾ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 1822 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
इस गल की अगवाई भरते ने। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने यह राज तिलक जिहड़ा सी ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ।